आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर उस वक्त वर्ल्ड न्यूज, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम अहम खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दोगान ने यूनान और साइप्रस के साथ मुसालहत को दिया इशारा। मशरक़ी बहर रोम के साहिली मुल्कों के साथ मुख्तलिफ मसाइल को लेकर तुर्की का है तनाज़ा। बाहमी तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर दिया जोर। इलाकाई सतह की चोटी कॉन्फ्रेंस बुलाने की पेश की तजवीज़। तुर्की के खिलाफ किसी भी तरह की जारहाना कार्रवाई को लेकर क्या खबरदार। खाना जंगी के शिकार यमन में तिब्बी सहूलियात की हालत मजीद हुई खराब। बिजली सप्लाई का निज़ाम खराब होने के सबब खतरे में डायलिसिस मरीजों की जिंदगी। तेल की कमी के सबब जनरेटर भी नहीं कर रहे हैं काम। आलमी इदारे भी नहीं कर पा रहे हैं मरीजों की मदद। यमन में तिब्बी सहूलियात की मजीद हुई हालत खराब। तो वहीं नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से सख्त मुकाबले की उम्मीद। हालिया सर्वे में पेंसिल्वेनिया में हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के दरमियान बरादरी की टक्कर। विस्कॉन्सिन में बिडेन को हासिल है सबकत। मिशिगन, शुमाली कैरोलिना, फ्लोरिडा और एरिजोना से वोटर साबित हो सकते हैं फैसला कुन। फ्लोरिडा में वोटर्स की तादाद में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में ज़्यादातर लोग। ताइवान के सदर ने एयरफोर्स बेस का किया दौरा। चीनी फिजाइया का रास्ता रोकने वाले पायलटों को दी शाबाशी। गुज़श्ता हफ्ते ताइवान के जंगी तैयारों ने चीनी तैयारों को रास्ता बदलने पर किया था मजबूर। वाज़ेह हो कि दोनों ही मुल्कों के ताल्लुकात में हालिया दिनों में काफ़ी कशीदगी आई है। चीन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ वू ने आलमी बिरादरी से चीनी जारहियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील की है। हुकूमत मुखालिफ अफराद के खिलाफ जारी है चीन कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई। पार्टी और सदर शी जिनपिंग की मुखालफत करने वाले रेन जिंकियांग को 18 साल की सजाए कैद। बीजिंग की एक अदालत ने बदनवानी के इल्ज़ाम में सुनाई कैद की सज़ा। अवामी फंड के गलत इस्तेमाल और 29 लाख अमेरिकी डॉलर की रिश्वत का इल्ज़ाम। सज़ा के अलावा अदालत ने 6,20,000 अमेरिकी डॉलर का आयद किया जुर्माना। लॉकडाउन के सबब मैड्रिड ताजिर और कारोबारियों का बड़ा नुकसान। मुतासरा इलाके में आमदोरफ्त की पाबंदी के सबब कारोबारियों सरगर्मियों में आई कमी। कोरोना के नए मामलों में के इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने गुज़िश्ता पीर से राजधानी में दोबारा लगा दिया है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आवाम को दिया मशवरा। घर पर ही रहकर काम करने का दिया मशवरा। बार और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे से पहले बंद करने की दी हिदायत। हंगामी सूरत हाल में दोबारा लॉकडाउन का दिया इशारा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने की ब्रेक्जिट को लेकर बरतानिया के रुख की तनकीद। कहा दाखिली कानून साजी के जरिए ब्रेक्जिट माहदे की कर रहा है मुखालफत। हुकूमत के अकदाम ने यूरोपीय यूनियन को किया तशवीश में मुबतला। कोलंबिया में जारी है मुजाहरों और एहतजाज का सिलसिला। हुकूमत की इकतसादी पॉलिसी के खिलाफ तलबा और मजदूरों ने किया पुरजोर एहतजाज। कार, बाइक और साइकिल पर सैकड़ों अफराद ने किया मुजाहरा। वाज़ेह हो कि पुलिस हिरासत में एक शख्स के मौत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते भी राजधानी बोगोटा में हुए थे मुजाहरे। और हमबर्ग ओपन में दिफाई चैंपियन बसिल शिल्वी को पहले ही राउंड में मिली शिकस्त। रॉबर्टो बतिस्ता ने 6-4, 6-3 से दी शिकस्त। जापान के निशियोका को फ्रांस के गेल मोनफिल्स भी हार कर हुए टूर्नामेंट से बाहर।